मंडा में बाल विवाह के दो मामले सामने आए हैं। बाल विवाह टीम को बहरोल और देवरी में बाल विवाह होने की जानकारी मिली। मौके पर पहुंची टीम ने गांव में जाकर शादी रुकवाई। बताया जा रहा है टीम के आने की जानकारी पहले ही परिजनों को लग गई थी, जिसके चलते दूल्हा दुल्हन को छुपा दिया गया। मामले में गाँव वालों ने परिजनों का हवाला दिया, जिससे बाल विवाह रुकवाने में टीम को काफी परेशानी हुई। बाल विवाह की कार्रवाई हुई है अभी दो दिन में, एक थाना देवरी के अंतर्गत, दूसरा बहरोल में। देवरी में एक 15 साल की बच्ची का बाल विवाह रोका, जिसकी शादी शास्त्री वार्ड में से हो रही थी, जिस सूचना हमें रात में 10 बजे मिली। और जब हम वहां पहुंचे तो जयमाला हो चुकी थी और बाकी फेरे की तैयारी शुरू होने वाली थी। इसके बाद दूसरी कार्रवाई कल शाम बहरोल थाना अंतर्गत की गई, जिसमें बाल विवाह है। एक दोनों ही लड़के और लड़की नाबालिग थे, दोनों की शादी हो रही थी। दमोह से लड़की आई थी और लड़का था बहरोल का। हालांकि हम वहां से सारा सामान वहां उठा लाए हैं, थाने में जब्ती बना दी है और बोल के आए थे अगर यह शादी होगी तो आप पे कार्रवाई होगी। इस तरह हमने दो दिन में दो बाल विवाह रोके।